दोस्तों फाइनल चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मैं फिर से यहां पर इस चैनल के ऊपर एक लेटेस्ट एप्लीकेशन के बारे में यहां पर रिव्यू करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, लेकिन इनका टर्म्स कंडीशन बिल्कुल अलग है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और एप्लीकेशन के जानते हुए एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करिएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए एप्लीकेशन कैसे काम करती है, क्या एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है और लोन कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू एप्लीकेशन होने वाली है। कौन सी एप्लीकेशन है स्क्रीन के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंड मामा के नाम से एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और अब तक इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर 4.0 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है, जो कि 1000 से ऊपर रिव्यू अब तक लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। राइट साइड में देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लिया गया है। तो लोन अप्लाई करना बहुत जरूरी नहीं है, सबसे पहले देख लीजिए एप्लीकेशन ये कैसे लोन प्रोवाइड करा रही है। ये एप्लीकेशन जो है फंड मामा, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको प्रोवाइड कराती है, और ये एप्लीकेशन जो है एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप की मदद से लोन प्रोवाइड कराने की दावा करती है। 30 मिनट के अंदर में आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिल्कुल अलग है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इनकी उम्र के बारे में कि किस उम्र में यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो पहले यह समझ लीजिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है, सेविंग अकाउंट है, सिविल स्कोर आपका अच्छा है 750 से ऊपर, तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। पर यह भी चीज़ यहाँ पर दोस्तों है कि पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, इनकम प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी सैलरी स्लिप, ठीक है। अनसिक्योर तो लोन आपको मिलता है, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी को कुछ इस तरह से पूरा करना होगा। फास्ट सर्विस आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, यानी आप इजी इंस्टॉलमेंट में लोन की चुकता तो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट प्लस सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर देना पड़ता है। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो ये बहुत कम लोगों के पास यहाँ पर दोस्तों होता है, सभी लोग तो सैलरीड पर्सन होते नहीं। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करना होगा, तभी जाके आप यहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे। अगर फुलफिल कर पाते हैं तो आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लोन नहीं ले पाएंगे। तो 30 मिनट के अंदर में ही आपको लोन के अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर पूरा होने वाला है। सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेस कैटेगरी में है, या फिर बिजनेस ओनर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये प्रॉपर काम करेगी। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होल्डर होनी चाहिए, डिसेंट सिविल स्कोर होनी चाहिए, कहने का मतलब ये कि अच्छा खासा सिविल स्कोर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, पैन कार्ड, रेसिडेंट प्रूफ आपको देनी होगी, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करानी होगी, 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देना होगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर फुलफिल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी आपके इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 35% साल का ब्याज यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। लोन पीरियड जो मिलेगा 1 साल से लेकर 3 साल तक का मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई 10,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फी जो लगाया जाएगा 2% लगाया जाएगा, ऑन GST यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जो लगेगा 18% टैक्स के साथ देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन ये काम करते हैं। और इनके NBFC फर्म की यहाँ पर बारे में बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा ग्रेदर फिनलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड अप्रूव है RBI द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ईमेल के जरिए सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं, दिए गए नंबर से बातचीत कर सकते हैं। तो एक दोस्तों रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बताया गया है, हालांकि ये सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेशन तो काम करेगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर कम्प्लीटली आपको देना होगा, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड और कम से कम बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ऐसे में सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर बढ़ा देनी होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको ऐसे में देना होगा। आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, बैंक स्टेटमेंट देंगे, हो सकता है आपसे ITR फाइल कॉपी, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते उसकी कॉपी आपको यहाँ पर 1 साल की लगानी पड़ेगी कम से कम। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये काम करने वाली है, ऐसा नहीं कि बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन यहाँ पर मिल जाने वाली है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन मेरे नज़र में बिल्कुल लेटेस्ट थी, इसीलिए जानकारी मैं दे रहा हूँ। लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बता भी रखा बकाया था कि भाई आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी अपलोड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, पैन कार्ड तो देना ही होगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको यहाँ पर देना होगा और अपलोड यहाँ पर आपको करनी होगी अपना फोटो, उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करके लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
तो यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ और मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है भाई इनकम प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर मेरी लोन भी चल रही है जैसा कि आप सभी को पता है। बस ये दिखाना चाह रहा था कि एप्लीकेशन है बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यू एप्लीकेशन है, अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो लोन की प्रक्रिया कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप घर बैठे 10% लोन लेना चाहते हैं, फिर मेडिकल इमरजेंसी आप पढ़िए, बिना इनकम प्रूफ के तौर पे आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाई है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ आधार पैन के बेस पर लोन ले पाएंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक बार हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों जरूर विजिट करिएगा। अगर आप यहाँ पर दोस्तों कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, सिविल स्कोर 0 है, फिर भी आप यहाँ पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, वो भी 0 सिविल स्कोर के ऊपर लोन मिलता है। तो उसे लोन की रीपेमेंट करिए, ऑन टाइम पेमेंट करिए और आपकी सिविल स्कोर 3 से 4 महीने में बिल्ड हो जाती है। तो दोस्तों RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म या फिर बैंक से रिलेटेड ही दोस्तों इन चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियो आती है, तो एक बार चैनल सेक्शन दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोन 20 लाख रुपए ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ आधार पैन के बेस पे, बकायदा मैंने लोन लेकर भी दिखाया गया है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, जैसे किसी भी वीडियो के ऊपर दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, जिसकी मदद से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय नाउ पे लेटर लोन, जो कि फिनसार एप्लीकेशन से ले सकते हैं। साथ ही साथ चीन में लोन हो गया, एयरटेल की तरफ से आप लोन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबीक्विक की तरफ से जीप लोन ले सकते हैं, लोनी की तरफ से लोन ले सकते हैं और एम पॉकेट की तरफ से लोन ले सकते हैं, FD बेस क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिसमें कि आप सिविल स्कोर को बिल्ड कर पाएंगे, ब्रांच एप्लीकेशन हो गए, नवी एप्लीकेशन हो गए, जितने सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी लिंक यहाँ मैंने यूट्यूब की लिंक दिया है, इस सारे टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाई गई है, बाकायदा लोन लेकर दिखाया गया है। यहाँ रुपी रेडी हो गया, लोन फ्रंट, रिंग पे, मनी व्यू, पेम इंडिया, फ्लिपकार्ट पे लेटर, फ्लैक्स पे पे लेटर, इस सारे जगहों से दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई करके दिखाया, बाकायदा लोन लेकर दिखाया है। स्मार्ट कॉइन, अमेजन पे लेटर, किस्त, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, स्नैपमेंट क्रेडिट, इस क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं वन कार्ड की तरफ से, जो FD होता है उसे आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने बाकायदा यहाँ पर लिंक कर रखा है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं रैपिड रुपी है, एवेल फाइनेंस हो गया, हालांकि स्टैफिन एप्लीकेशन, इस जितने सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं सारे एप्लीकेशन से मैंने लोन लेकर दिखाया, और अर्जेंट एप्लीकेशन जो है मतलब जो एप्लीकेशन काम करती है और जिस पर लोन लेकर दिखाएगा, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर इस ऐप के डिस्क्रिप्शन पार्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे सारे लिंक। तो आपको जो सही लगता है उसके ऊपर दोस्तों आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी दे रहा था एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है, लेकिन लेटेस्ट एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। बस एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा हार्ड है, डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर पूरा करना होगा, इनकम प्रूफ की डिटेल शेयर करनी होगी, तभी जाके आप यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी रख पाएंगे, लोन आप ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।